नमस्कार, मेरे चेस सीखने वाले और खेलने वाले सभी भाइयों बहनों का मैं सत्कार करता हूं। मैं सभी दर्शकों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो बार बार देखें, अपने बच्चों को बार बार दिखाएं, इनसे चेस सीखने में ज्यादा सुगमता होगी, ज्यादा सरलता होगी। चेस के बाद मैंने मेडिटेशन बारे में जिक्र किया था और हर एक लेसन में मैं मेडिटेशन करने के लिए आग्रह रखता हूं। मेडिटेशन से एकाग्रता बढ़ती है। चेस एक ऐसी गेम है, इसमें एकाग्रता चाहिए। अगर आपके पास एकाग्रता नहीं है, आपके मन में मंथन चल रहा है, बार बार यही वही मन घूमता रहता है, तो चेस में आपकी गलती हो सकती है, चलने में गलती हो सकती है। तो इस बार भी मैं फिर से सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करता हूं, अपने बच्चों से एटलीस्ट 30 सेकंड, और आप 1-2 मिनट 5 मिनट तक ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन हम चेस के बारे में खेल रहे हैं इसलिए सिर्फ एकाग्रता की बात करेंगे। इसके बाद तो बहुत कुछ फायदे मिलते हैं। अभी हम हमारी चेस सब्जेक्ट पर आते हैं। मैंने सभी रूल्स के बारे में बता तो दिया ही है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप जो मोरे है हमारे, उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। हाँ, ये जो आपके तरफ से मुझे जो सूचना मिलती है, सजेशन मिलते हैं, उसमें एक सजेशन ऐसा भी आ रहा है कि चेस कैसे लिखते हैं, नोट डाउन कैसे करते हैं, तो वो हम अगले लेसन में सीखेंगे। आज हम जिसके पास विशिष्ट गुणधर्म है, वो दो मोरे हैं। एक तो है प्यादा, जिसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज में पॉन बोलते हैं, और दूसरा है घोड़ा, जिसको हम नाइट बोलते हैं। मैं पॉन और नाइट ही बोलूंगा। सबसे पहले मैं पॉन के बारे में बताऊं तो पॉन में 2 या 3 विशिष्ट गुणधर्म है। सबसे पहला है, पॉन आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं चल सकता। दूसरा, पॉन चलता है सीधा और मारता है क्रॉस में, तो यह भी एक उसका विशिष्ट गुणधर्म है। तो इससे उसको कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ी रुकावट आती है। और तीसरा विशिष्ट गुणधर्म है उसका, जो अपनी लास्ट रैंक में पहुंच जाता है, अपना पूरा पथ काट कर लास्ट में पहुंच जाता है, तभी उसको प्रमोशन मिलता है। दूसरा यह है कि ये चेस से ही पूरे चेस का, अरे पॉन से ही चेस का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। महान चिंतक फिलाडोर ने सच्ची कहा है कि पॉन चेस की आत्मा है। वैसे हम जानते हैं कि हमारे में भी जो आत्मा है, वो अपना पूरा पथ सफलता के साथ तय कर लेता है और अंतिम तबके में पहुंच जाता है, तो आत्मा परमात्मा बन जाता है। तो यहां भी ये पॉन लास्ट में पहुंच जाता है, तो उसको जो बनना है, क्वीन, रूक, बिशप या नाइट, जो बनना है वो बन सकता है। दूसरा, आत्मा ही स्ट्रक्चर को आकार देता है।
तो चेस में भी ये जो हमारे पॉन है इनसे ही गेम का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। जैसे मैं ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर से गेम आगे बढ़ती है, जिसका स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा और आगे बढ़ते 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 एक दूसरे के जोर में आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में पहुंच जाता है तो वो उसको प्रमोशन मिलता है। दूसरा पॉन के बारे में हम जानेंगे तो पॉन के दूसरे अनेक, एक तो पास पॉन, ये आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे बन गया है तो सपोज यहां सामने उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है समझो, तो ये पॉन को पास पॉन कहते हैं। पास पॉन को रोकना भी ओपोनेंट को भारी पड़ता है, अपने कोई ऑफिसर को यहां बिठा देना पड़ता है, बिशप को या नाइट को उसके रास्ते में बिठा देना पड़ता है क्योंकि वो पोन आगे बढ़ ना पाए। अगर आगे बढ़ गया तो उसकी वैल्यू अनेक गुनी हो जाती है, पूरे चेस के जो मोड़ है उसको बदल देता है। तो ये मैंने पास पोन के बारे में बात किया। दूसरा है सिंगल पोन, कई बार ओपोनेंट के साथ मारामारी करते करते ये सिंगल ही रह गया है, विंड फाइल में लास्ट वाली फाइल में पोन अकेला बच गया है, इसके बाजू वाली दोनों फाइल में पोन नहीं है, तो ये पोन सिंगल हो गया है, आइसोलेटेड पोन। तो ये पोन की कीमत कम हो जाती है और ये गेम में ज्यादा मदद रूप नहीं कर सकता। इसके बाद आता है डबल पोन, कई बार आमने सामने वाले के साथ मारामारी करते ऐसा डबल पोन हो जाता है। सपोज ये है डबल पोन, तो डबल पोन से भी पोन कमजोर हो जाता है और वो उसको आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। इसके सामने ये पोन रख दिया या तो बिशप रख दिया या ओपोनेंट ने घोड़ा के कुछ रख दिया, तो ये दोनों की कीमत भी कमजोर हो जाती है। तो ये मैंने पोन के बारे में थोड़ा कुछ बताया। अभी नेक्स्ट टर्न, अगले लेशन में मैं नाइट के बारे में, नाइट को भी विशिष्ट गुणधर्म दिया गया है और दूसरे पीस के बारे में हम बताएंगे, और इसके बाद के अभी दो तीन लेशन बाकी रह गए हैं। एक लेशन में हम हाउ टू नोट डाउन द गेम, और जब भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे जाते हैं, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर आप खेलने जाते हैं तो गेम लिखना कंपलसरी होता है। दूसरा है टाइम फैक्टर, वो भी हम अगले अगले लेशन में देखते जाएंगे। तो यहाँ ये हमारा लेशन नंबर 4 को मैं विराम देता हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, सीखने में कैसी मजा आई नहीं आई, जो भी है उसका आप वो मुझे दीजिए, सजेशन दीजिए। आपको ये वीडियो के नीचे ही लिखा दिया हुआ है, वहाँ अपना सजेशन लिखिए और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। आभार।